नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं बीजू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी 2023 का स्टडी प्लानिंग क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मिले, मैसेज मिले और डिमांडिंग वीडियो भी था, तो इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। आपका सपना किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना हो या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जो सीयूटी के अंतर्गत आता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हर एक पॉइंट्स को अपने मानस पटल में बैठाएं, अपने माइंड में बैठाएं, जिससे कि आप 2023 में किस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का जो सपना है वो पूरा कर सके। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं, जिससे कि उनको सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो अच्छी प्रिपरेशन कर सके। हमारे यहाँ टॉपर स्टॉक, मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। यानी गागर में सागर है, सागर में गागर है। आप जिस तरीके से आप समझ सको, फाइनली इस वीडियो को जरूर देखें और आने वाले हर एक वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। अब बात आती है कि सीयूटी के प्रिपरेशन में स्टडी प्लानिंग का कितना महत्व है। देखो भाई, हमारे यहाँ जितने भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है। आप अपने नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी सबसे पहले प्लानिंग बनाए होंगे कि हाँ मेरा प्री बोर्ड आने वाला है, फिर मेरा बोर्ड आने वाला है, तो क्या हमारा सिलेबस है, क्या टाइम टेबल है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इस सभी चीजों की प्रिपरेशन में एक खास जो मोटिवेशन है वो क्या होनी चाहिए, आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस ऑलरेडी होगा। वैसे 12वीं का जो एक्सपीरियंस होता है वो मुझे लगता है कि पूरे आगे में जितनी पढ़ाई करने वाले हो वो आपका फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद आपको बहुत कम ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे जिसमें आपने एक अथाह मेहनत करी है। तो आप समझ लेना कि आपने वहां जितना मेहनत करा है उसका लगभग 50% यहां मेहनत करना है और आपको सफलता भी मिल जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत कम मेहनत करो, 50% भी अपने आप में बहुत बड़ा मेहनत है। हाँ, लेकिन यह है कि इस मेहनत को एक प्लानिंग वे में करना पड़ेगा। इसके लिए खास प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी जो अब मैं आज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलो तो फाइनली हम लोग स्टडी प्लानिंग को देखने वाले हैं। ओके ओके, देखो स्टडी प्लानिंग को मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहला क्या है, सिलेबस। क्या है सिलेबस, यानी आपको एक पर्टिकुलर सीयूटी का रिकमेंडेड सिलेबस को क्या करना है, फॉलो करना है, जो कि यहाँ पे रिटेन है। अभी मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके कि सिलेबस किस तरीके से फॉलो अप करना है। सेकेंड जो बात मैं कर रहा हूं वो है आपका स्टडी मटेरियल्स का, यानी आपके पास एक सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर क्या होना चाहिए, कॉम्बो पैक होना चाहिए, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर हो, आपके नोट्स हो, पीडीएफ्स हो, टेस्ट सीरीज हो, प्रैक्टिस सेट हो, मींस आपकी प्रिपरेशन का पूरा एक खजाना इस स्टडी मटेरियल में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है इन दोनों चीजों को कवर करने के लिए टाइम टेबल होना चाहिए। आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कब कब पढ़ाई करनी है, किन सब्जेक्ट्स के लिए कितना टाइम देना है, और सुबह में क्या पढ़ना है, शाम में क्या पढ़ना है, फर्स्ट मीटिंग में क्या पढ़ना है, फर्स्ट स्टडी में क्या पढ़ना है, सेकंड स्टडी में क्या पढ़ना है, रात में क्या पढ़ना है, और ये तमाम चीजें जो है ऑनलाइन में क्या पढ़ना है, ऑफलाइन में क्या पढ़ना है, यूट्यूब चैनल पे से हमें क्या फ्री में मिल सकता है और बाकी क्या हमें परचेस करना पड़ेगा, ये तमाम चीजों को एक प्लानिंग में पढ़ने के लिए हमें एक प्रॉपर क्या चाहिए, टाइम टेबल चाहिए। और ये टाइम टेबल आप लोग बनाना, नहीं समझ में आएगा तो टाइम टेबल के लिए आप लोग कॉमेंट कर हमें बताऊंगा कि टाइम टेबल कैसे बनेगा। अब बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको किस तरीके से प्लान करनी है। सबसे पहले आप अगर यूजी में हो, वह यूजी और पीजी दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, यदि आप यूजी में हो, कहां हो, यूजी हो, यानी सीयूटी यूजी का पेपर देना चाहते हो, बीए, बीएलबी, बीकॉम, बीएससी, यूजी के कोर्सेज का पेपर देना चाहते हो, तो आपके पेपर के लिए जीटी होगा इंपॉर्टेंट, या लैंग्वेज होगा इंपॉर्टेंट, या डोमेन होगा इंपॉर्टेंट। ध्यान देना है तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपके लिए पूरी सीरीज लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि डोमेन क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, जीटी क्या होता है, किस सब्जेक्ट के लिए, किस कोर्स के लिए डोमेन चाहिए, क्या डोमेन चाहिए, किस कोर्स के लिए आपके लैंग्वेजेज इंपॉर्टेंट है, किस कोर्स के लिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए जीटी इंपॉर्टेंट है, ये तमाम बातें हम लोग कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको अभी क्या बता रहा हूं कि जीटी, लैंग्वेज और डोमेन, ये आपके सिलेबस में पूछे जाने वाले सेक्शन हैं, ठीक है। किसी में, किसी कोर्स में जीटी होगा, किसी में डोमेन होगा, किसी में लैंग्वेज होगा, इसके लिए हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे। उसके बाद मटेरियल्स कहाँ मिलेगा, तो मटेरियल्स के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। आपके कोर्स से रिलेटेड बहुत ही अच्छे प्राइस में, बहुत कम पैसे में आपको एक प्रॉपर सिलेबस मिल जाएगा। मैं आपको लास्ट में दिखा भी देता हूं एक बार,
ठीक है, एकदम लास्ट में अगर आए तो ये सब देखो यहाँ पे अवेलेबल मटेरियल्स है, ये वीडियो सेक्शन में भी अवेलेबल है और आपके टेस्ट मैसेज में भी अवेलेबल है, यानी पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ वीडियोस फॉर्म में कैसे हैं, तो ये है सिलेबस सीयूटी पार्ट फर्स्ट और सीयूटी पार्ट टू, यानी पीजी वालों के लिए। यूजी वालों को होगा तो क्या होगा, उनका उनके अकॉर्डिंग होगा, यानी लैंग्वेज जीटी और डोमेन होगा। तो आप यू देख रहे हो, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके आगे के पार्ट टू क्या आ जाएंगे, पार्ट वन क्या आ जाएंगे, इनको ओपन करोगे जिसमें वीडियोज होंगे, मटेरियल्स होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, सबका एक सेक्शन बना हुआ है। तो ये रहा आपका वो पोर्शन जो यहाँ पे रिटेन था, और बाकी टाइम टेबल तो कॉमेंट जोन में रहेगा, आप लोग कॉमेंट करना, बता दूंगा कि आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इसके बाद आएगा। तो ओवरऑल अभी आज जो स्टडी प्लानिंग आपके लिए बताया है वो स्टडी प्लानिंग यही है कि आप एक सिलेबस फॉलो करो, ठीक है, जो आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सीयूटी का अपडेटेड होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि आपको उसके लिए मटेरियल्स अरेंज करनी है, चाहे वो आप खुद से अरेंज करो या आप ज्वाइन कर लो, हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, आप एच पार्ट से ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, ठीक है। और लास्ट है टाइम टेबल, आपको कितना समय देना है किन सब्जेक्ट्स को, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को अगर आप लोग सम्मिलित रूप से देखते हो तो आप कम से कम समय में सीयूटी की पूरी जो है तैयारी वो कर सकते हो। तो बीएचयू पाठशाला देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। हर हर महादेव।